जान सफी मुबारक साहब। हो ये रो सुन गई बल्ला हबीबी उसमें हमने लेबर पेन की सारी कंडीशन और हॉस्पिटल कैसा है क्या क्या हुआ सारी चीजें हमने उसमें बताई है। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले पहला पार्ट देखे और उसके बाद ये वाला पार्ट देखे वरना मुझे नहीं देगा। नाच आ गई है मुबारक हो सबको। अरे मैं तो ब्लॉग बना रही थी। चलो ये मैंने तो यहीं पे ब्लॉग बनाया। बिल्कुल सेम टू सेम आवान मुबारक हो। आ रहा भाई उसे लेने के लिए गए हैं इधर से। हाँ आ जाए नहीं सब नहीं बताओ क्या नीचे हो जाएगा ना ये तो बीच में तो आलिया देखो बड़ी मम्मी क्या कर रही है। प्यार कर दो मम्मी मम्मी के ना यहाँ पे कर दो यहाँ पे प्यार कर दो मम्मी ठीक हो जाएंगी फिर। गाइस पापा बन गए भाई कैसा लग रहा है। गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब नहीं हुआ था और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था सच बताऊं ये शायद जिसके सामने ये कंडीशन आई होगी उन्हें पता होगा कि मैं अंदर से जो है ना बाहर कार में आके बैठ गया था अपने। हाँ, यार मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब पेट में हॉल हो रही थी मेरे बहुत ज़्यादा और पेट में दर्द होने लगा था इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन थी। आप लोग समझ सकते हो मैं खुद रोने लगी थी। और यार मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नाजिया ने की है बहुत ज्यादा मेहनत की है इतना शायद ही कोई करता होगा जितना मैंने उसने सबको की है। पूरी चीजें दिखाई हैं और हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ ने बहुत ज्यादा साथ दिया। हम आपको लास्ट में मिलाएंगे पूरे स्टाफ से। फिलहाल हम मिठाई लेने के लिए जा रहे हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश है पूरे स्टाफ में। सब लोग मुझसे कह रहे हैं खाला बन गई लाओ नेक दो हम तुम्हें देखने नहीं देंगे पहले नेक दो इतने हजार रुपए दो। कौन सब लोग स्टाफ में मुझे देखने नहीं दे रहे थे कह रहे थे नहीं तुम्हें नहीं देखने देंगे और पहले हमारे हाथ पे 5,000 समथिंग रखो। आपको आंखों के जो वो होते हैं कुल्ले जो होते हैं वो सफेद और हाथ पे पूरे ठंडे मन को पकड़े हुए खड़ी थी और मतलब मैं तो बिल्कुल ही। मगर यार एक बात है कितनी मेहनत करी उसने मगर जाने के बाद 15 मिनट ना लगा जैसे पहले करा उसने। लेकिन भाई 13 घंटे भी तो थे वो आपको 15 मिनट दिखाई दे रहे हैं उनके लिए वो 13 घंटे। मैंने एक ब्लॉग में भी कहा मैं तो शाजी से इस बात को कह रहे थे बार बार इस बात को कह रही हूँ कि बड़ी हिम्मत करी है वही नाजिया ने बहुत हिम्मत करी है क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल गिव अप कर दिया था डॉक्टर ने कि मतलब है ही नहीं कोई चांस ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन। सबकी दुआएं सब लोगों ने इतनी दुआएं की हैं बहुत ज़्यादा और मतलब सबकी दुआ रंग लाई नाजिब की मेहनत रंग लाई और आज हमारा बाबू हमारे हाथ में है। मिठाई कौन सी वाली नहीं है आपने उनको चाय के लिए तो बोला ही नहीं। आंटी और जो वो स्टाफ है हॉस्पिटल का वो कह रही है चाय के लिए। हाँ डॉक्टर के लिए चाहिए ये वाली लेना डॉक्टर के लिए। हाँ ये बहुत अच्छी होती है स्टाफ के लिए लेना यही सेम ना ना सेम। मैं स्ट्रॉबेरी शेक ले रही हूँ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है लो पीलो तो सारा कुछ हमने ले लिया है कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए हैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स और मिठाई डॉक्टर के लिए अलग और स्टाफ के लिए अलग। लो ये दोनों एक ही में रख दिए पता नहीं डॉक्टर वाला कौन सा ऊपर वाला डॉक्टर और डिस्पोजल दे देंगे उन्हें कोल्ड ड्रिंक डिस्पोजल अंदर ही होते हैं वैसे हॉस्पिटल में पानी जो पीते हैं पेशेंट। अम्मो को खिला तो दो आप आओ चलो आओ से दो इसे इन्हें दोनों को दे दो कृपा सही से पकड़ो सही से ऐसे ये हटा लो पेपर ऐसे हमारा जाओ अबान भाई के साथ जाओ सबको मिठाई खिला दो। आंटी तू खिलाओ पहले आंटी आंटी आपको भी तो आंटी लेकर आंटी इस बंदे में ये तो सोनी है कैसी लगी किस खुशी में खा रहे हो
बड़े भाई बहन बनने की खुशी में। लो भाई, कांग्रेचुलेशंस। लो खाओ मत, नो मेरा हाथ वाली खा लो। तो प्यार तो कर लो पापा को, पापा को प्यार कर लो। मतलब बर्थडे आपका हुआ है क्या आज? बर्थडे बर्थडे है आज? बर्थडे नहीं है, असली मजे तो आपके आ रहे हैं लड्डू। सो गाइस, अभी रात के 9 बज रहे हैं और अब आन ने पूरा सर में दर्द कर दिया, किचर पिचर किचर पिचर किचर पिचर किचर पिचर करके। वो भी तो छिपकली, छिपकली बैठा। सुबह मेरा एग्जाम है, मुझे टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, मुबारक हो, आप चाचू बन गए दोबारा। जाओ मिलो। पानी लेने गई थी मैं। तो करो मेहमानदारी कर रहे हो तुम तो बैठ के यहाँ पे हॉस्पिटल में। और ये आए हैं डॉक्टर समी, खाली हाथ हिलाते हुए। भाई तो आज इतना खुश है कि बिल्कुल रेस्ट ही नहीं कर रहे। और ये आमिर कबीर की अम्मी है, आप देख सकते हो। और ये हमारी प्यारी अम्मी है नाजुक अम्मी, जो बहुत थक गई है, सुबह से बड़ी मेहनत कर रही है। और शादी तो आई है, शादी को तो मैंने दिखाया ही नहीं। थैंक यू। बेचारी के हर कोई काटता है, अब तुम भी काट दो। ये दोनों तो काट रही है अम्मी। मैंने तो बहुत पैसे दिए, 0 रुपए। यूनियन बैंक के मैनेजर मैं तो हूँ, कंगाल बैंक का मैनेजर। क्यों नचो गाइस? गाइस ये आया मेरा दोस्त जिगरी यार, जैन सैफी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और ये हमारा नोनू। अभी नाम न रखा है। हाँ भाई, कैश देगा या पेटीएम? लेके देगी यार, शाजिया लिए जरा दिए इसके हाथ में, शाजिया दे लेगी। हाथ सर पे हाथ आएगा। अब लेंगे जैन चाचू। कहियो 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 वल्ला अभी भी ना ना, कहियो वल्ला अभी भी। देख क्या कह रहा है नोनू, देखो क्या कह रहा है नोनू। कहियो वल्ला अभी भी। मेरा हॉस्पिटल का यही तक का साथ था, क्योंकि मेरा सुबह एग्जाम है और अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ। अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह, है ना। ख्याल रखना अपना ढेर सारा, और मेरी हालत तो आप देख ही रहे हो कैसी हो रही है।
चलो बाय लवर्स, बाय गुड डे, आई मिस यू। घर तो आ गए हैं, अबान सो गया तो अभी अबान सो रहा है और मैं बना रही हूँ दाल रोटी। नाजिब भी ले रही है क्योंकि उन्हें जो ऐसा कुछ नहीं खाने दिया जाएगा अभी। सो गाइज, अभी मॉर्निंग का नेक्स्ट डे हो गया है, मतलब दिन निकल गया। अभी सोई थी मैं 5 बजे और मुझे अब जाना है कॉलेज, तो मैंने अम्मी को बुलाया फ़ोन करके कि आप आ जाओ और अब्बान के पास रुक जाना क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं और अब्बान को अकेले छोड़कर हम जा नहीं सकते, हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते क्योंकि शायद दोपहर तक उनका डिस्चार्ज हो जाए। इसीलिए बड़े गलत टाइम पर एग्ज़ाम हुए मेरे, मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मैं 3रा कप चाय का पी रही हूँ कि थोड़ा बहुत होश आ जाए मुझमें। गाइस, मैं जा रही हूँ कॉलेज अभी क्योंकि मेरा, मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी बार कि मेरे एग्ज़ाम है, तो मैं अभी जस्ट जा रही हूँ। और मैंने बुलाया है आरिफ भाई को जाने के लिए कॉलेज। हाय, मुबारक हो। मुबारक हो मामू बनने। रुको रुको, मैं गिर जाऊँगी। गाइस, मेरा एग्ज़ाम हो गया है और मैं अभी जा रही हूँ घर पर। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और मैं रोज़ाना अम्ब्रेला लाना भूल जा रही हूँ, भूल गई मैं अम्ब्रेला लाना। अभी घर जा रही हूँ और आज नाज़िम पे का डिस्चार्ज हो जाएगा, अब शाम तक होगा, पता नहीं कब होगा। और आगे की चीज़ जर्नी है, बेबी घर पर आएगा, मैं वेलकम करूँगी और सारी चीज़ें वो मैं आगे वाले ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊँगी, तो इसका दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ढेर सारे कमेंट करके बताया, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।